सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें इस बेल आइकन पे और पाएं लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ वो भी हिंदी में। हेलो दोस्तों, आज बात कर लेते हैं हम लोग जियो चैट के जरिए जो आप KVC का प्ले अलॉन्ग गेम खेल रहे थे उसमें आ रहे कुछ तकनीकी समस्याओं के बारे में। तो मैं ओपन कर लेता हूँ अपना जियो चैट और आपको कुछ दिखाने का कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो जैसे आप ये क्लिक हेयर टू प्ले पे जाते हैं और ये आपका लॉगिन स्क्रीन आता है, वो उस टाइम क्या होता है कि जैसे आप इसमें कार्यक्रम शुरू करने के लिए यहाँ बताया जा रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है कि TV प्ले पे आपका कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और तब तक इस पर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो मैंने ऐसा भी मार्क किया है कि TV प्ले पे आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके जवाब मिल जाते हैं, आंसर्स भी दे दिया जाता है, तब तक इसमें आपको क्वेश्चन भी डिस्प्ले नहीं होता है और अचानक से एक बार में आपको क्वेश्चंस मिल जाती है और उसको आपको सबमिट करना होता है। ये तो हुआ एक प्रॉब्लम इसका। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इसका जवाब को लॉक करके रखा हुआ है और फिर भी आपको एक मैसेज मिल जाता है उसकी तरफ से कि आपको जो जवाब देने का समय था वो आपसे समाप्त हो गया। कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें चल रहे हैं, लाइक आप अगर कोई क्वेश्चन का अगर आंसर दे देते हैं तो फिर भी आपको उसके पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पॉइंट्स यहाँ पे 3129 पॉइंट्स जमा हुए हैं। और एक हमारे फ्रेंड की तरफ से ही एक मैसेज मिला था मुझे, वो उन्होंने स्क्रीन शॉट शेयर किया है तो मैं वो आपको स्क्रीन शॉट दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा इशू है जो आप ये पिक्चर अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं इसे जूम भी कर दूँगा, आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कल का पूछा गया था जिसमें पूछा गया था कि भारत का अंतिम अलग रेल बजट संसद में किसने पेश किया था। और इसके ऑप्शंस, चार ऑप्शंस थे जो कि आप लोग भी देख रहे थे, कल आपने भी देखा होगा, बट इसका जो सही जवाब था वो था सी, सुरेश प्रभु। लेकिन इन्होंने क्या किया, जिन्होंने मुझे अपना ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उन्होंने सदानंद गौड़ा पे अपना क्लिक किया था और फिर भी इसे बता दिया गया कि आपका ये सही जवाब है और इसके अंक भी इन्हें मिल गए हैं। ऐसे ही एक और उन्होंने ही स्क्रीनशॉट, दो दो स्क्रीनशॉट जब उन्होंने देखा कि ऐसा एक प्रॉब्लम आ रही है इस पर, तो फिर से उन्होंने ट्राई किया तो दूसरे पर भी सेम इशू हुआ। इसमें एक क्वेश्चन था, पूछा गया था 2017 में कौन सी महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज बनी। तो यह सबको पता है कि बी नंबर का ऑप्शन था मिताली राज, जो कि सही जवाब था, लेकिन इस ऐप्स में उन्होंने स्टेफनी टेलर को भी सही दर्शाया है और इसके भी 80 अंक इन्हें दिए गए हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जैसे कि अगर प्ले करा रहे हैं, अगर सही सारा कुछ सिचुएशन सही है, तो फिर इसमें बग क्यों आ रहा है? कंटिन्यू 3 से 4 दिन हो गए हैं, अभी तक ये कंटिन्यू बग्स चल ही रहे हैं, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो को अगर शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक अपने फेसबुक फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सएप फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये क्या है कि सभी यूजर्स को पता चल सके कि ऐसा इशू इसमें आ रहा है और ये जियो तक भी ये इशू पहुँच सके। तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो ये वीडियो हो सकता है कि जियो तक पहुँच जाए और उनके पता चले कि ऐसे ऐसे इशू इसमें आ रहे हैं। तो आपको शेयर करना है सिंपल सा। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि हम वीडियोज़ को शेयर कैसे कर सकते हैं, तो चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लाइक हम लोग ये यूट्यूब पे आ गए हैं और यहाँ वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे में आपको लाइक, डिसलाइक और साथ में एक एरो का फंक्शन देखने को मिलता होगा। तो आपको सिंपली उस एरो के फंक्शन पे क्लिक करना है, ये लोड हो जाएगा और आपको यहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे जो जो आपके मोबाइल पे इंस्टॉल होंगे। तो आप इसमें से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे अपना ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और कॉपी लिंक के भी जरिए कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको व्हाट्सएप पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने व्हाट्सएप सेलेक्ट किया, व्हाट्सएप को ओपन किया और यहाँ से मैं जिस भी कॉन्टैक्ट को शेयर करना चाहता हूँ उसे यहाँ सिंपली सिलेक्ट कर रहा हूँ और डन कर दे रहा हूँ। जैसे ही डन करता हूँ ये मुझे ऑप्शंस आ गया और यहाँ से मैं इजीली इसे सेंड कर सकता हूँ। आप भी इसे सेंड कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जो इशू अभी चल रहा है जियो चैट के साथ वो जल्द से जल्द क्लियर हो सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर तो आपको करना ही है अगर आपको ये इशूज़ को क्लियर करने हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।